पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तुहिन सिन्हा जी ने कांग्रेस की याद दिलाई थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की एक बहुत खराब आदत है कि जैसे पेपर लीक पे बात करो तो बताएंगे पहली सरकारों में कब कब पेपर लीक हुए, महिला अपहरण या रेप के ऊपर चर्चा करो तो पहली सरकार को आंकड़े देने लगेंगे। यानी कि पहली सरकारों ने गलत किया था इसलिए हमें हक मिल जाता कि हम भी गलत करें। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब जब जिस सरकार ने, सवाल ये नहीं है कौन सी सरकार है, जिस जिस सरकार ने लोकतंत्र पर और संविधान पर आक्रमण करने का प्रयास किया है, भारत की जनता के रग रग में लोकतंत्र है, जनता खड़ी हुई है और विपक्ष खड़ा हुआ है। बात तो सही है। मोदी जी के पास अवसर था। मोदी जी 10 साल बहुत भारी बहुमत की सरकार उन्होंने चलाई, अच्छे बहुमत की, उनके पास अवसर था अपनी उदारता दिखाने का, अपना लोकतंत्रात्मक चेहरा दिखाने का, संवैधानिक चरित्र दिखाने का, तब तो उन्होंने उसका दुरुपयोग किया, तब तो उनमें अकड़ थी। समझ रहे हो आप? अहंकार था, विपक्ष को धमकाते रहे, विपक्ष का दमन करते रहे, फर्जी मुकदमे लगाते रहे, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी को समाप्त करने की घोषणा करते रहे, देश को कांग्रेस मुक्त करने की घोषणा करते रहे। वो रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां नहीं कि क्षमा होती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, और उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। जब आपके पास नाखून थे तब आपके पास दांत थे, जब जहर था तब क्षमा करते, तो कुछ लगता आप तो विपक्ष मजबूती के साथ आया। आपने बड़ी चतुराई से देखिए इमरजेंसी का जिक्र कर दिया लेकिन आपने उस पे बात गोल गोल घुमा दी। अच्छा अभी तुहिन सिन्हा ने क्या कहा, उन्होंने कहा वो लोग संविधान की कॉपियां लेकर घूम रहे हैं जिन्होंने संविधान की हत्या की थी, ये विरोधाभासी नहीं है। पाटी साहब कल उसकी एनिवर्सरी है, उसकी बरसी कहेंगे बल्कि, और आज आप संविधान की कॉपियां दिखा रहे हैं उसी कांग्रेस पार्टी के साथ जिसने लगाई थी इमरजेंसी। तुहिन सिन्हा से ज्यादा आपको समझने की जरूरत है। गजब बेइज्जती है कि सवाल पार्टी का या चेहरे का नाम का नहीं है, सवाल ये जो भी संविधान के खिलाफ है उसका विरोध होना चाहिए, चाहे कोई भी है, मैं भी हूं। भारत का संविधान कोई मामूली किताब नहीं है और ये किसी ने गिफ्ट में नहीं दिया, ये 90 साल के लंबे संघर्ष का प्रतिबिंब है। भारत का संविधान कमरे में बैठ के भी नहीं बना, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। क्या उसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द डालना सही था? भी बता। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। थोड़ी मर्यादा रखिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं वो भी सेक्युलर और सोशलिज्म वाली जो बात है इसे बड़ी चालाकी से गलत तरीके से पेश करते हैं बीजेपी के लोग। संविधान की उद्देश्य का में केवल दो शब्द शामिल ही तो किए गए थे, संविधान का चरित्र नहीं बदला गया था। अगली पंक्ति क्या कहती है, जब पहली पंक्ति है हम भारत के लोग भारत को एक सर्वप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो इसमें धर्म पंथनिरपेक्ष और समाजवाद जोड़ दिया, इस पर ऐतराज है इन्हें। लेकिन अगली पंक्ति क्या है, और उसके सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देने के लिए। यह क्या है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, यही तो समाजवाद है। शर्म करो। और उससे अगली पंक्ति क्या है, विचार अव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता देने के लिए। ये क्या, यही तो पंथ निरपेक्षता है। तो उसका चरित्र नहीं बदला गया था। अब ये पता नहीं इतने बुद्धू तो ये है नहीं, खैर मैं थोड़ा लो लेवल के लोग मानता हूँ आरएसएस और बीजेपी वालों को, लेकिन इतने बुद्धू भी नहीं समझते ना ये जानबूझ के घुमाते हैं। नहीं मैं वो हमेशा कई बार कहता रहूं गलत लवणे ने भोजन। खत्म।